हेलो गाइस, सो हम SCPM पढ़ रहे थे और हमने यूनिट वन में यहाँ तक लीनियर सिक्वेंशियल वाटरफॉल मॉडल तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम प्रोटोटाइप मॉडल और रैड मॉडल तक कंप्लीट करने का प्लान है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वाटरफॉल मॉडल में टॉप टू डाउन अप्रोच जाते हैं, तो अब प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है ये पता क्या है, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बना लेते हैं पहले। सपोज से हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसका हम पहले एक प्रोटोटाइप बना लेंगे, ठीक है। सो हम प्रोटोटाइप मतलब एक हमारे पास बड़ा काम करना है, हम उसका एक टॉय बना लेंगे, टॉय। तो यही है अब प्रोटोटाइप, इसे टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। हमारा जो बड़ा जो सॉफ्टवेयर था उसका हमने टॉय बना लिया, ठीक है। सो अब क्या होता है कि जो टॉय होगा, जो प्रोटोटाइप होगा, वो यूजुअली लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ होंगे उसके पास, ठीक है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी मीन्स हमारे असली सॉफ्टवेयर में 50 फंक्शंस होने हैं, पर हमारे जो टॉय है उसमें 10 ही होंगे। 10 कौन कौन से होंगे, जो हमारे इजीली हम जिसके समझ पाएँ कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, ठीक है। और ये लोड रिलायबिलिटी होगी इसकी, जो कि ऑब्वियसली कम है, और इसमें एरर आने की चांस बिल्कुल है, ठीक है। इनएफिशिएंट भी होगा परफॉर्मेंस में, बट हमें इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर कैसा होने वाला है, ठीक है। और प्रोटोटाइप इज यूजिंग बिल्ट यूजिंग सेवरल शॉर्टकट्स, तो इसमें हम कोई असली कोडिंग नहीं करेंगे, मतलब असली कोडिंग करेंगे पर हम शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे हर जगह। हम कहीं भी एकदम एफिशिएंट वर्क नहीं करना चाहेंगे, हम सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, सेवरल शॉर्टकट्स। जो शॉर्टकट हैं हमारे इनएफिशिएंट लाएंगे सिस्टम में और इनएक्यूरेट रिजल्ट लाएंगे, डमी फंक्शंस होंगे, सब हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे और कर देंगे। तो इससे हमारा क्या है, हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रोटोटाइप जिससे हमें आइडिया लगे कि हमारा होना क्या है असली सिस्टम में, ठीक है। सो जो ये शॉर्टकट इम्प्लीमेंटेशन होंगे फंक्शंस के, ठीक है, तो आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि मैं आपको अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए, ठीक है, बाय यूजिंग टेबल लुकअप है इंस्टीड ऑफ परफॉर्मिंग द एक्चुअल कंप्यूटेशन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक्चुअल कंप्यूटेशन नहीं करनी है, ठीक है, हमें दो नंबर को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसे लिखेंगे, हम जनरल प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम पर्टिकुलर बनाएंगे ए प्लस टू, सी इक्वल्स टू ए प्लस टू। हम बी इसमें ज़रूरी नहीं लिखेंगे, हम बी लिखेंगे तो जनरल बन जाएगा कि हम कोई भी दो नंबर दें रन टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आए। हम ऐसा नहीं, हम पर्टिकुलर बनाएंगे, हम कहेंगे ए प्लस टू, ए प्लस टू का आंसर आ रहा है सही, तो मतलब हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। तो ये हम इनएफिशिएंट बनाते हैं, जिससे हमें सिर्फ आइडिया चाहिए कि हमारा सिस्टम वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सो हम अब देख लेते हैं, ये हमारा इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है, उसके हम डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन के बाद हम जाते ही हम उसका, अभी हमने डिज़ाइन बना लिया, उसका हम प्रोटोटाइप बना लेंगे। प्रोटोटाइपिंग बनाने से क्या होगा, अब हमारे पास आइडिया लग गया, हम ये प्रोटोटाइप कस्टमर से एवेल्यूएट करवाएंगे। कस्टमर जिस हिसाब से फीडबैक देगा उस हिसाब से हम इसको रिव्यू करेंगे, अपडेट करेंगे। देन जब कस्टमर हमारा, ये हम करते रहेंगे जब तक कस्टमर उसमें देता रहेगा हमें सलाह, जब कस्टमर की सेटिस्फाई होगा तो हम इसको डेवलपमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाई, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का टेस्ट, मेंटेन। सो इससे क्या हुआ, हमारा फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमने अब डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे नहीं किया, अब हमने प्रोटोटाइप पे किया पूरा वर्क। सो अब हमने समझ लिया कि प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी नीड क्या है। सो सबसे पहले तो हमारी जो स्क्रीन्स हैं वो कैसी दिखेंगी, ठीक है, हमारा UI कैसा दिखेगा, कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, हमारा सिस्टम आउटपुट कैसे देगा, ठीक है। तो ये सब हमें एक प्रोटोटाइप से आइडिया लग जाएगा, हमें कुछ भी प्रैक्टिकल काम नहीं करना है, मतलब हमें असली सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना है, हमें पहले प्रोटोटाइप पे काम करना है, हमें अपना टाइम देना है प्रोटोटाइप को, उससे हमें देखना है रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर हमें कुछ लगेगा तो हम उस प्रोटोटाइप में ही चेंज कर लेंगे, तो वो ज़्यादा सही, फिर हम डायरेक्ट नया प्रोडक्ट बनाएंगे अपना असली, उसमें हम डायरेक्ट वही करेंगे जो हमने प्रोटोटाइप में देखा है। तो प्रोटोटाइप को देख के हम अपना अपना असली सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सो अब सपोज से हमारी टीम को, जो हमारी टीम काम कर रही है इस पर, उसको कोई टेक्निकल इशू है तो वो समझ नहीं पड़े, तो वो पहले प्रोटोटाइप पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, टेस्ट करेगी, समझेगी, फिर जाके वो असली सॉफ्टवेयर में करेगी, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, प्रोटोटाइप मॉडल कैन बी यूज व्हेन टेक्निकल सॉल्यूशन आर अनक्लियर टू डेवलपमेंट टीम, ठीक है। अब क्या होता है, कई बहुत सारे क्रिटिकली एग्जाम करना होता है हमें, टेक्निकल इशूज़, तो उसके लिए भी हम प्रोटोटाइप पे करते हैं। तो ये प्रोटोटाइप का ये एडवांटेज है कि हम जब भी हमें कोई अनश्योरिटी हो किसी भी चीज़ की, तो हम उसको प्रोटोटाइप बनाएंगे और उस पर हम सब कस्टमर का फीडबैक लेंगे, उस सबसे हम बना चलेंगे, फिर हम उसको असली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। हम आते हैं RAT, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पैरेलली काम करता है, ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। फास्ट क्या होता है, जैसे कि आपका
कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो आप, तो उसमें कुछ टाइम लगता है, तो ये आपके उस टाइम को ब्रेक कर देगा और आपको मिनिमल 90 डेज के अंदर ये पूरा कोई भी सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। सो ये क्या होता है, ये मिनिमल प्लानिंग होता है। मिनिमल प्लानिंग में आपका पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है, और ये आपका प्रोटोटाइप इज वर्किंग मॉडल ऑफ फंक्शन इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके जो फंक्शंस है वो सारे आपके उस प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे, कुछ भी हम उसमें कटौती नहीं करेंगे, हर चीज़ उसमें डालेंगे, बट ये है कि हम उसको जल्दी से जल्दी बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, इन राड मॉडल द फंक्शन मॉडल आर डेवलप इन पैरेलल। लाइक सपोज आपको एक कार बनानी है, तो कार में इंजन होता है, उसकी चेसिस होती है, उसकी हेडलाइट को असेंबल करना होता है चेसिस में, उसके टायर्स को असेंबल करना होता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं उन सबको हम पैरेलली वाटरफॉल मॉडल की तरह बनाएंगे, ठीक है, वो सब बन जाएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही यहाँ लिखा है, पहले हम सबको अलग अलग मॉडल्स को डेवलप करेंगे पैरेलली, फिर उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे एक कम्प्लीट प्रोडक्ट में, तो हमारा फास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है। अब क्या होता है अपने इसमें कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा राड है, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। ये देखिए, ये एक कंपोनेंट बना रहा है, ये एक कंपोनेंट बना रहा है, ये एक कंपोनेंट बना रहा है, ऐसे हजारों कंपोनेंट बन रहे हैं पैरेलली। तो जो इस पे काम कर रही होगी टीम, एक टीम इस पे काम कर रही होगी, एक टीम इस पे काम कर रही होगी, एक टीम इस पे काम कर रही होगी, डैट मीन्स हमारे पास काफ़ी सारी टीम्स हैं, और जो टीम है छोटी छोटी टीम है 10-12 लोगों की या 5-6 लोगों की, ऐसे करके हमने काफ़ी सारी टीम डिवाइड करके रखी है। तो अब क्या होगा, एक पूरी टीम इंजन बना रही होगी, एक पूरी टीम चेसिस बना रही होगी, एक पूरी टीम इस चेसिस पे असेंबल कर रही होगी हेडलाइट, ऐसी सब अलग अलग प्रोसेस काम कर रही होंगी, और एक टीम पेंट कर रही होगी उस कार पे। तो ऐसे पैरेलली काम चलता है, ठीक है। अब इसमें पैरेलली काम कैसे चलता है, और हर एक मॉडल के अंदर क्या काम चलता है, ये एक वाटरफॉल मॉडल है जैसे आप देख सकते हैं, बाय इसमें एट्रीब्यूट्स अलग है, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। अब ये पढ़ते हैं हम ये क्या लिखा है। सो आप देख सकते हैं बिजनेस मॉडलिंग क्या होता है, कि हमारे जो भी उस बिजनेस रिलेटेड है, जैसे हमारा इंजन है, इंजन में हमारा उसका वर्क हुआ कुछ, ठीक है, एक इंजन का वर्क होता है। अब इंजन छोड़ो, हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो एक सॉफ्टवेयर है हमारा, उस सॉफ्टवेयर में जो बिजनेस फंक्शंस होंगे, मतलब हमें दो नंबर को ऐड करना है, वो जो एक फंक्शन है बिजनेस फंक्शन, तो वो उसमें हमें उसकी मॉडलिंग करनी है, ठीक है। अब उस बिजनेस में, उस फंक्शन में जो डेटा पास होगा, तो वो हम डेटा मॉडलिंग की बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फ्लो डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडलिंग इज डिफाइंड इनटू अ सेट ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो भी हमारे बिजनेस फंक्शंस के अंदर हमारे डेटा ऑब्जेक्ट जाएगा, तो डेटा मॉडलिंग हो जाएगी, तो हमें उन सबके एट्रीब्यूट्स को मैनेज करना है, ठीक है, फंक्शंस के एट्रीब्यूट्स। यहाँ हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, यहाँ फंक्शन के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे, और यहाँ हम उस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे जिस प्रोसेस में ये फंक्शन और डेटा होगा। द डेटा ऑब्जेक्ट डिफाइंड डेटा मॉडलिंग फेज अ ट्रांसफॉर्म टू अचीव द इन्फॉर्मेशन फ्लो नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट अ बिजनेस फंक्शन, ठीक है, बिजनेस फंक्शन इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन, अब हमारा प्रोसेस बन गया, एक एप्लीकेशन में सबको जोड़ देंगे, राइट, अज्यूम टू द, अब जो हमारी अभी जो फोर्थ लैंग्वेज चल रही है, फोर्थ जनरेशन सी प्लस प्लस जावा, उसके अंदर इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, ये सब हमारा हो जाएगा। फिर हम इसको कहेंगे टेस्टिंग, टेस्टिंग आपको बता चुका हूँ मैं कि हम उसकी फंक्शनैलिटी सही चल रही है कि नहीं, तो अगर टेस्टिंग सही नहीं होगी तो टर्नओवर मींस वापस यहाँ से ऊपर जाओ, वो होगा। अब एडवांटेज क्या है, ये एक तो हमारा डेवलपमेंट टाइम बहुत रिड्यूस करता है, 90 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट दे सकता है। यूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने हैं तो अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्विक इनिशियल रिव्यू, अगर कहीं भी हम रिव्यूज़ दे सकते हैं, उसको दोबारा से हम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अगर हमें लगा कि इंजन में यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको दोबारा से रिव्यू देख के दोबारा इंजन, अकेले इंजन को बनाएंगे, पूरी कार को नहीं बनाएंगे, ठीक है। कस्टमर फीडबैक लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सब उसको, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारा डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग टीम पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए, टीम की टेक्निकल बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेक्निकल लेवल, ठीक है। और ओनली सिस्टम मॉडल, हमारा पूरा सिस्टम मॉड्यूलराइज्ड वे में काम करता है, ठीक है। और हाईली स्किल्ड डेवलपर चाहिए होते हैं, हाई डिपेंडेंसी और मॉडलिंग स्किल्स, ठीक है, हमारे डिपेंड जो सब चीज़ डिपेंडेंट होती है दूसरे पे, जैसे इंजन जुड़ेगा चेसिस पे, चेसिस जुड़ेगा, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चीपर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होता है, प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब हम इसको कब यूज़ करें, इसको हम सिर्फ दो रीजन की वजह से काम यूज़ करेंगे, जब हमारे कोई प्रोजेक्ट बहुत जल्दी देना है विद इन 2-3 मंथ, तो हम RAD मॉडल यूज़ करेंगे। और हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, हमारे पास बहुत सारी साइड टीम हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास लोग बहुत हैं, हमारे पास कॉस्ट बहुत है, हमारे मतलब पैसे बहुत है कि हम लेबर को पूरा चार्ज दे पाएँ, तो हम इस रेड मॉडल को यूज़ करेंगे। तो यही था हमारा पूरा रेड मॉडल। थैंक यू।